जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फुल पर। दोस्तों, आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि मेडिकल में आंखों का टेस्ट कैसे होता है, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप कैसे होता है, क्या लोको पायलट में चश्मा अलाउ है या नहीं, तो ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोज के बारे में सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मेडिकल में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि लोको पायलट का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो A1 कैटेगरी का होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे में अलग अलग कैटेगरी के मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि A1 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी और C1 कैटेगरी। तो यहाँ पर लोको पायलट का जो टेस्ट होता है वो A1 कैटेगरी का होता है, जो कि सबसे टफ होता है। लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपकी आंखों का। अगर आप आंखों का टेस्ट सही से क्लियर कर लेते हैं तो मान के चलो कि आपने लोको पायलट के मेडिकल का जो टेस्ट होता है वो 80 से 90% भाग आपने कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो भी टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि उन टेस्ट में कोई कैंडिडेट बाहर हो। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जब आप मेडिकल में जाएं तो खाली पेट ही जाएं, क्योंकि ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि शुगर का टेस्ट, तो ऐसे टेस्ट के लिए आपको खाली पेट ही जाना चाहिए, जिससे आपका जो टेस्ट हो रहा है उसका रिजल्ट बिल्कुल सही आए। इसके अलावा मेडिकल में जाने से पहले आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके जाना है, और मेडिकल में आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी नर्वस या फिर घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है आपको, क्योंकि कई ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट, ECG टेस्ट, जिसमें आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है। तो ऐसे टेस्ट में अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आए और इससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके लोको पायलट के मेडिकल में होने वाले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इस टेस्ट में आपको अपने यूरिन का सैंपल देना होता है, और फिर इस सैंपल के माध्यम से ये टेस्ट किया जाता है कि आपको कोई लीवर से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं, या फिर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, और भी कई तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए ये आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे ECG टेस्ट के बारे में। दोस्तों, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपके हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं का पता लगाना, जैसे कि आपके हार्ट बीट चेक करना। आपको बता दें कि एक अडल्ट ह्यूमन की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट होती है। इसके अलावा ECG टेस्ट का मुख्य उद्देश्य पता लगाना है कि आपको हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं है, इसके अलावा आपको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं। साथ ही ECG टेस्ट का मुख्य उद्देश्य पता लगाना होता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, या फिर सीने में तेज दर्द या फिर सूजन तो नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आपका ECG टेस्ट हो तब आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है, ताकि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल आए। अब हम बात करेंगे BP यानी कि ब्लड प्रेशर टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 ऊपर का और 80 नीचे का, यानी कि मैक्सिमम 120 और 80 जो है मिनिमम रहना चाहिए, यानी कि 80 से 120 के बीच आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ये तो होगा बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा 120 से ऊपर या फिर थोड़ा 80 से नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा ऊपर या फिर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, जब आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट हो तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आए। तो ये हो गया आपका BP यानी कि ब्लड प्रेशर टेस्ट। अब हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप के बारे में। तो लोको पायलट के प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल टेस्ट में आपका एक तो हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाता है, इसके अलावा पाइल्स टेस्ट किया जाता है, इसके अलावा हर्निया टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हाइड्रोसिल या पाइल्स या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मेडिकल में जाने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर ही जाएं, क्योंकि इन बीमारियों का इलाज पॉसिबल है और ये क्योरेबल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ट्रीटमेंट लेकर नहीं जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और बात कि जब आप मेडिकल में जाएं तो अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके ही जाएं। अब हम बात करेंगे लोको पायलट के मेडिकल में होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जो कि है आपकी आंखों का टेस्ट। तो आंखों के मेडिकल में बहुत से अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि विजन टेस्ट, जिसमें कि नियर विजन और डिस्टेंट विजन चेक किया जाता है। इसके अलावा फॉग टेस्ट, फंडस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और फील्ड ऑब्जर्वेशन टेस्ट। तो यहाँ पर इन सभी टेस्ट के बारे में हम एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके आंखों के विजन टेस्ट के बारे में। तो विजन टेस्ट में आपके दो टेस्ट होते हैं, पहला नियर विजन टेस्ट और दूसरा डिस्टेंट विजन टेस्ट।
फ्रेंड्स, पहले तो आपको बता दें कि चाहे आपका नियर विजन टेस्ट हो या फिर डिस्टेंट विजन टेस्ट, दोनों ही टेस्ट में आपकी आई साइट जो है वो बिना चश्मे के 6x6 यानी 6x6 होनी जरूरी है। तो आइए पहले बात करते हैं नियर विजन टेस्ट के बारे में। तो नियर विजन टेस्ट में एक पेपर में कुछ लाइंस लिखी होती हैं, और ये जो लाइंस लिखी होती है वो छोटे से बड़े साइज के क्रम में लिखी होती है। यानी कि जो सबसे पहली लाइन होती है वो सबसे छोटी साइज की होती है, और फिर उसके बाद उससे बड़ी साइज, और फिर उसके बाद उससे बड़ी साइज की लिखी होती है। तो आपको यहां पर ये जो लाइंस है उनको बारी बारी करके एक आंख को बंद करके पढ़ना होता है। अब बात करते हैं डिस्टेंट विजन टेस्ट के बारे में। तो डिस्टेंट विजन टेस्ट में एक चार्ट होता है जिसमें कि अलग अलग साइज के नंबर्स या फिर लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं, और ये लेटर्स या नंबर्स आपको बिना चश्मे के 6 मीटर या फिर 20 फिट की दूरी से बारी बारी करके एक आंख को बंद करके पढ़ने होते हैं। यानी कि डिस्टेंट विजन में आपकी आई साइट बिना चश्मे के 6x6 होनी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, विजन टेस्ट में आपका सी कटिंग टेस्ट भी होता है, और इस टेस्ट में भी आपकी आई साइट 6x6 होनी जरूरी है। इस टेस्ट में भी आपको 6 मीटर या 20 फिट की दूरी पर बिठा दिया जाता है। तो यहां पर अब आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सी का मुंह एक साइड खुला रहता है, तो यहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो बारी बारी करके जो सी का मुंह जिस साइड खुला रहता है उसको चेंज करते रहते हैं। कभी सी का मुंह लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो कभी राइट, तो कभी ऊपर, तो कभी नीचे की साइड सी का मुंह खुला कर देते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में एक आंख को बंद करके बताना होता है कि सी का मुंह कौन सी साइड खुला है, राइट या लेफ्ट या फिर ऊपर या नीचे। तो ये हो गया आपका सी कटिंग टेस्ट। अब हम बात करेंगे फॉग टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं, तो आपको भी इस तरह का एक फॉगी चश्मा पहनाया जाता है, और ये चश्मा पहनने के बाद आपको फॉगी यानी कि धुंधला दिखाई देता है, और फिर उसके बाद आपको दूर से कुछ लाइट्स दिखाई जाती है, और ये जो लाइट्स होती है वो ग्रीन यानी कि हरे, येलो यानी कि पीले, और रेड यानी कि लाल कलर की हो सकती है। तो फॉग टेस्ट में आपको ये फॉगी चश्मा पहनाकर इन लाइट्स को पहचानना होता है कि कौन सी कलर की लाइट जल रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि ये टेस्ट कभी कभी एक आंख बंद करके भी कराया जाता है। तो ये हो गया आपका फॉग टेस्ट। अब हम बात करेंगे आई टेस्ट में किए जाने वाले फंडस टेस्ट के बारे में। तो फंडस टेस्ट में आपकी आंखों में एक लिक्विड डाला जाता है जिससे आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, और फिर एक मशीन द्वारा ये चेक किया जाता है कि आपकी आंखों में कोई चोट तो नहीं लगी है, या फिर आपकी आंखों के रेटिना यानी कि पर्दे में कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ओवरऑल फंडस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि आपके आंखों के रेटिना में कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर लेंस की स्थिति सही है या फिर नहीं। तो ये हो गया आपका फंडस टेस्ट। अब हम बात करेंगे कलर विजन टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे हैं, इस इमेज में अलग अलग छोटे छोटे जो है कलर्स के डॉट्स से सर्कल बने हुए होते हैं, और इन सर्कल्स के बीच में कुछ नंबर्स या पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आपको पहचानना होता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इन सर्कल्स में कोई भी नंबर या पैटर्न्स नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको बताना होता है कि इनमें कोई नंबर या पैटर्न नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कलर विजन की समस्या है तो आप इन नंबर से पैटर्न्स जो होते हैं इनको नहीं पहचान पाओगे, नहीं समझ पाओगे, और ऐसे सिचुएशन में आपको बाहर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं होता है, ये क्योरेबल नहीं होती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत होगी। अब हम बात करेंगे फील्ड ऑब्जर्वेशन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट में आपको अपनी नजर को बिल्कुल सामने रखना होता है, आपको बिल्कुल भी दाएं या बाएं नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ सामने देखना होता है। फिर उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो पेन या फिर पेंसिल को आपके दाएं या बाएं से घुमाते हुए आपके सामने की ओर धीरे धीरे लेकर आता है, और इस दौरान आपको बिल्कुल सामने देखना होता है, और सामने देखते हुए जहां पर भी वो पेन या पेंसिल आपको दिखाई दे तो आपको मेडिकल ऑफिसर को बोलना होता है कि हाँ, मैं इस लोकेशन पर पेन या पेंसिल को देख पा रहा हूँ। तो इससे ये पता लग पाता है कि बिल्कुल सामने देखते हुए आपकी आंखें दाएं या फिर बाएं कितना एरिया जो है या फील्ड वो कवर कर पाती है। इसलिए इस टेस्ट को फील्ड ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्लिट लैंप टेस्ट के बारे में। तो ये सबसे पहले बात करेंगे कि स्लिट लैंप होता क्या है। स्लिट लैंप एक माइक्रोस्कोप मशीन है, जैसा कि स्क्रीन पर अब आप एक इमेज देख पा रहे हैं। इस मशीन का उपयोग आंखों से संबंधित बीमारियों का पता लगाने और साथ ही आंख के उन हिस्सों की जांच करने के लिए किया जाता है जिन्हें सामान्य तकनीक से नहीं देखा जा सकता। आइए बात करते हैं कि स्लिट लैंप टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर आपको अपनी ठुड्डी रखनी होती है, और फिर आपको अपने सिर को स्थिर रखना होता है, और फिर उसके बाद ये माइक्रोस्कोप मशीन तेज रोशनी का उपयोग करती है जिससे आपकी आंखों के अंदर मौजूद सभी संरचनाओं को आसानी से देखा जा सकता है, जिससे ये पता लगता है कि आपकी आंखों में किसी तरह की सूजन या चोट तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका लोको पायलट के मेडिकल में होने वाले आंखों के टेस्ट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आंखों के मेडिकल को लेकर कुछ ऐसे बेसिक सवालों के बारे में जिनको लेकर हर कैंडिडेट के मन में डाउट या सवाल रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि लोको पायलट के मेडिकल में आंखों की किसी भी तरह की सर्जरी अलाउ है या फिर नहीं। तो यहां पर आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई सर्जरी करवा रखी है, चाहे वो लेजर सर्जरी हो या फिर कोई अदर सर्जरी, तो ऐसी कोई भी सर्जरी लोको पायलट के मेडिकल में अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या लोको पायलट के लिए चश्मा अलाउ है या फिर नहीं।
तो आपको बता दूं कि इनिशियली यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे पहले जो भी आपका मेडिकल होता है उसमें चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आपको चश्मा लगा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि रेलवे में लोको पायलट का एक पीएमई यानी कि पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट होता है, और ये मेडिकल टेस्ट आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद 45 साल की उम्र तक हर 4 साल में एक बार होता है, और 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक हर 2 साल में एक बार होता है, और 55 साल से लेकर आपके रिटायरमेंट की उम्र तक हर साल में एक बार आपका ये मेडिकल टेस्ट होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद अगले 4 साल में जो पहला मेडिकल टेस्ट होगा उसमें भी चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन फिर अगले 4 साल के बाद फिर से जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें अगर आपकी आईसाइट कमजोर होती है तो आपको चश्मा अलाउ कर दिया जाता है। तो ये थे वो कुछ बेसिक सवाल जो अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में रहते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। तो लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट किया जाता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आपको कोई अदर कोई गंभीर समस्या कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि HIV या फिर कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है। तो ये इसलिए आपका जो है ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे करने का उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि कहीं आपको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है या फिर आपका अंदर से कोई पार्ट फ्रैक्चर तो नहीं है। फ्रेंड्स इसके अलावा लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट में आपका ENT यानी कि आपका ईयर आपका नोज और आपका टीथ का भी मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जो आपका ENT यानी कि आपका ईयर नोज और टीथ का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बस ध्यान रखना है कि जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो इनके अच्छे से सफाई करके ही जाएं। आपके कान में कोई वैक्स नहीं होना चाहिए और आपके दांत बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। सो फ्रेंड्स ये था इंडियन रेलवे में होने वाले लोको पायलट का मेडिकल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी है कि लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट में जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करें। इसके अलावा भी अगर आपका लोको पायलट के मेडिकल टेस्ट को लेकर कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो अपना सवाल इस वीडियो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।